ईशा के बारे में मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं केशव को बचपन से जानती हूँ, खुद में खिलाया मैंने, एक नंबर की दफोड़ है। अरे उसमें तो इतनी बुद्धि भी नहीं है, कल ही नहीं है कि तुम्हारे जैसा आइडिया लगा कि ये चप्पल जूते बना दे। मैं बोल रही हूँ तुझे, कुछ ना कुछ झोलम झोल है। अब ये सब ना मैं राजा को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बिना सबूत के तो वो अपनी बहन के बारे में गलत सुनेगा ही नहीं, इसलिए तुमको बता रही हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ है। अब आप ही सोचिए ना, वो बेचारी खुद कितनी टेंशन में है। इतने बड़े घर से वो एक चाली में रहने गई और इतनी कम उम्र में माँ बनने की जिम्मेदारी, कितना कुछ है उसके सर पर। लेकिन मुझे उसके बारे में एक बात अच्छी लगी कि वो अपने हालातों को खुद बदलना चाहती है, खुद कुछ करना चाहती है। तो मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर शक करना चाहिए, बल्कि हमें उसका साथ देना चाहिए। रानी, तेरी बात बराबर है। मैं क्या कह रही हूँ, एक बार, बस एक बार उसके बारे में पता करके तो देख। रानी रानी रानी, जल्दी आओ जल्दी आओ, शायद समझ में आ गया, जल्दी आओ। सागर का तल छूटू, क्या मुझे हुआ? मुझे शायद कुछ समझ में आ गया, पूरा समझ नहीं आया, लेकिन तुम एक बार सुन लो। सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, नहीं जा रहा तो है सागर का तलहट, मतलब सागर का तल जो हमने निकाला है, सागर का तल। तो तल का मतलब क्या हुआ? नीचे वाला हिस्सा। और हमने किस कंपटीशन में भाग लिया हुआ है? जूते बनाने के कंपटीशन में। हाँ, तो जूतों का तल मतलब जूतों का सोल, जूतों का सोल। तो मतलब ये सागर का तल और कुएं का तल मतलब जूते का तल, जूतों का सोल। तो और आगे की लाइन है, तलट में ही अगले कर्म की कुंजी। तलट में ही मतलब जूतों के सोल में अगले राउंड की कुंजी। तो रानी, इतना तो समझ में आ गया। राजा, मतलब ये सारे शब्द सागर, तलहट, कुएं, जूतों के बारे में बात कर रहे हैं, जूतों के सोल के बारे में। राजा, तुमने बिल्कुल सही किया, ये शब्द ना हमें बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पर लेकर जा रहे हैं, और हमें इन शब्दों को और ध्यान से समझना होगा। माफ कर देना जरा, मैं ये सारे शब्द ना जो तुमने मतलब निकाला है उसे हाईलाइट कर देती हूँ। अब ये कुंजी क्या है, इसमें देखो ना शब्दकोश में। हाँ हाँ, कुंजी 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 का मतलब चाबी, मतलब जूतों के सोल में ही अगले राउंड की चाबी है। तो राजा, अब तक हमें ये पता चला है कि हमें जूतों का सोल बनाना है जो हमें अगले राउंड में लेके जाएगा, और वहां से हमें मिलेगा हिंट। तो बचा ये चौथा लाइन, सुविधा है कुंजी। कुंजी क्या है, इसको सुलझाना बाकी है। पूंजी, वो पूंजी मतलब पैसे, पूंजी मतलब, मम्मी जी पूंजी मतलब पैसा ही होता है ना? हाँ बराबर है, पैसा ही, पैसा। तो फिर कंपटीशन, पूंजी, अब इसका इस दोनों से क्या लेना देना? अब जिंदगी में पूंजी का मतलब होता है पैसा, तो कंपटीशन में हम जो कमाएंगे वो हमारी पूंजी होगी। राजा, लेकिन कंपटीशन में देखो अलग अलग राउंड्स होंगे, जिसमें हमें पूंजी मतलब पैसे थोड़ी ना मिलने वाले, हमें पॉइंट्स मिलने वाले। तो ये फिर यहाँ पे सुविधा मतलब आरामदायक, मतलब सुविधा हमें मिलेगी जब हम सोल आरामदायक बनाएंगे। रानी, इस पहेली का मतलब ये हुआ कि जूते जितने आरामदायक होंगे उतने ज्यादा हमें पॉइंट्स मिलेंगे जो हमें आगे लेकर जाएंगे, हो गई पहेली। हमने पहेली सुलझा ली रानी। अब राजा, मम्मी जी, मम्मी मम्मी, हमारी पहेली सुलझ गई। कुछ तो करना होगा तुझे आशा। रानी, हाँ देखो, जूतों का ना आरामदायक सोल बनाना इतना आसान नहीं है। मैं क्या कह रही थी, तुम जाके अपने पापा से बनाना सीख लो ना। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, मैं फोन करके पूछ लूंगी। अरे
नहीं, अरे रानी इधर बेटा, फोन पे कैसे समझ आएगा? हाँ, अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम ऐसा करो ना, वहां जाके उनसे सीख लो तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, हम उनसे मिलके ही आते हैं। आई होप केशा के बारे में मम्मी जी का शक गलत हो। ये सोल बनाने का ना, ये एक ढांचा है। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक अंदर वाला हिस्सा होता है और एक बाहर वाला हिस्सा होता है। अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो पैर की एड़ी को छूता है, वो पैर की एड़ी को सहारा देता है, और बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो जमीन को छूता है। और दोनों को बनाने के लिए अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग रीत होती है, समझे? अब मैं समझाता हूँ ये सब कैसे होता है। अच्छा पापा, तो मतलब जो अंदर वाला सोल है वो सॉफ्ट होना चाहिए और नीचे वाला सोल उतना ही हार्ड होना चाहिए। बराबर समझा। लो बच्चों, चाय ले लो। थैंक यू मम्मी जी। किस? केशव को बचपन से जानती हूँ, खुद ने खिलाया मैंने, एक नंबर की टपोड़ है। अरे उसमें तो इतनी बुद्धि भी नहीं है, कल ही नहीं है कि तुम्हारे जैसा आइडिया लगा कि ये चप्पल जूते बना दे। बोल रही हूँ तुझे, कुछ ना कुछ झोलम झोल है। बोला पापा का फोन। मुझे लगा मोटा पापा केशा से नाराज थे, फिर वो क्यों फोन कर रहे हैं केशा को? और केशा भी ऐसे चुपके उनसे बात कर रही है, कहीं मम्मी जी का शक सही तो नहीं? हाँ, तो अब बात यह है कि रानी, हाँ? बेटा ध्यान देना, कंपटीशन में हिस्सा लेना है ना, तो अच्छे से समझना पड़ेगा ना कि कैसे बनाते हैं। हाँ? हाँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि सोल कैसे बनता है। ये सोल काटना एक बहुत बड़ी कला है, अगर सोल अच्छे से काटा नहीं तो ये ढांचे में फिट होगा नहीं, सारा काम खराब हो जाएगा और फिर सारा सामान भी बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? केशा इतनी घबराई हुई सी क्यों दिख रही है? कहीं अब समझ लो कि ये सोल मैंने जैसे काट दिया है, हाँ? अब उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो ये है वो मशीन, और ये मशीन को कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। लेकिन ये सोल बनाते वक्त बहुत टाइम लगता है, शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, ये सीखते सीखते मुझे पूरे 3 महीने लगे थे। टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, और सच कहूं तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है बेटा। तो मुझे लगता है मैं किसी एक का ही सोल बना पाऊंगा। हाँ पापा, कोई बात नहीं, आप केशा के लिए सोल बना दीजिए।
मैं और रानी अपना सोल बना लेंगे। आपने इतनी अच्छी तरीके से समझा दी है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना रानी। हाँ बस ये सामान और ये मशीन। अरे नहीं नहीं बेटा, सामान की फिक्र तू मत कर, मेरा एक दोस्त है समीर, मैं उसे फोन करके सारी चीजें बता दूंगा। वहां से तुम्हें औजार भी मिल जाएंगे, प्रेस का मशीन भी मिल जाएगा और केमिकल भी मिल जाएगा। हाँ पप्पा फिर तो काम हो जाएगा। अरे रानी बेटा, तुझे पता है ना वो नुक्कड़ पे समीर चाचा की दुकान? बस तो वहां जाके सारी चीजें ले लेना, मैं फोन करके बता दूंगा। और फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे फोन करके पूछ लेना, है ना? रानी चलते हैं, काम बहुत ज्यादा और टाइम बहुत कम है। हाँ 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 ठीक है पापा, हम जाते हुए समीर चाचा से वो सामान ले लेते हैं। हाँ बेटा। हाँ जय श्रीनाथ जी पापा। हाँ। अरे ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। बहुत तरक्की करो। हाँ किशा ये ले चाय के कप रख दे सारे। शो थे यू ते टेंशन में क्यों? बंदा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। पता नहीं बच्चे अच्छी तरह जूते बना पाएंगे कि नहीं, और ये सोल बनाना कोई आसान काम नहीं है। मने भी यही टेंशन है। काश श्रीनाथ जी ने मुझे चार हाथ दिए होते तो मैं उन बच्चों की भी मदद कर पाता। लेकिन सच कहो, अच्छा हुआ राजा ने सामने से ही मुझे मदद करने के लिए मना कर दिया। अच्छा है बच्चे अपने जीत का रास्ता खुद बनाए। हर माँ बाप अपने सभी बच्चों को जीतने की सीख देते हैं, पर अपनी हालत ऐसी है कि अगर हम एक बच्चे को जीतने में मदद करते हैं तो दूसरा हार जाता है। श्रीनाथ जी करे सब अच्छा हो, है ना? सब अच्छा ही होगा। अरे बाप रे, ये पता ना तो राजा रानी को मैं भूल ही गया। शो थे यू? अरे तुझे पता है क्या, ये सोल बनाते वक्त जो ऊपर रबर होता है ना उसके ऊपर एक केमिकल लगता है। हाँ। वो केमिकल आंखों के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो केमिकल लगाने से पहले ये चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। मैं अभी बोल के आता हूँ। अरे आराम से, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं दे के आती हूँ। चश्मा तो बाकी सामान के साथ समीर भाई दे देगा उसको, लेकिन राजा को बताना जरूरी है कि केमिकल लगाते वक्त वो चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। तो बस इतनी सी बात है ना, मैं बता के आ जाती हूँ। वैसे भी राजा भाई ज्यादा दूर थोड़ी गए होंगे। ठीक है तू जल्दी बता के। हाँ लेकिन आराम से जाना। जी। इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल गया? टेंशन मत लो, गई है ना पता के आएगी। हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो, लेकिन मोटा पापा की बात हो तो चांस नहीं लेना चाहिए। क्या करूं, राजा से बात करूं क्या? राजा भाई, भाभी, एक मिनट, एक जरूरी बात करनी थी आप दोनों से। अब ये मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट है, क्या आप ये प्लीज मम्मी को दे देंगे? हाँ केशा, तू टेंशन मत ले, मोटी मम्मी को दे देंगे। तो बस अपना ख्याल रखना, चलो रानी। अब भाभी मैं ये बात राजा भाई के सामने नहीं कर सकती थी। भाभी मैंने पापा को कितने कॉल किए लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। हाँ मम्मी मेरी मिस्ड कॉल देख के वापस कॉल कर लेती है कभी कभी, पता नहीं पापा कब बात करेंगे मुझसे। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है भाभी। ये मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखा देना मम्मी को, ये देखकर शायद वो मुझे माफ कर दे। भाभी मुझे पता था पापा का फोन देखकर आपको डाउट हो गया होगा, इसलिए ड्रामा करना पड़ा। और
चश्मे वाली बात छुपाने के लिए सॉरी भाभी, इतनी मुश्किल से ये मौका मिला है, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगी। इस राउंड से आप दोनों को बाहर करके रहूंगी। शायद मोटी मम्मी ही फोन कर रही होंगी मोटा पापा के फोन से। मम्मी जी कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। केशा ऐसी हालत में क्यों कोई गड़बड़ करेगी? केशा आप तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन मुझे आप सबकी बहुत याद आती है भाभी। मदद मदद क्यों नहीं की? तुम दोनों का वो कंपटीशन वाला बॉक्स आने वाला था ना, तो वो मम्मी जी के हाथ ना लगे इसलिए काकी ने उन्हें बिजली के झटके दिए थे। क्या? हाँ, और मैंने भी उनका साथ दे दिया इसलिए मम्मी जी बहुत गुस्सा है मुझसे। गुस्से में उन्होंने ना किचन की सारी जरूरत की चीजें सब सब कुछ छुपा दिया, चाकू तवा खाकरा मेकर सब कुछ, और हाँ गुस्से में ये घड़ी भी तोड़ दी। देखो आधी आधी हाथों से बनाई है मैंने, तब से बस ऐसे कुछ कुछ जुगाड़ करके काम चला रही हूँ। सही है भाभी, ऐसे भी हिंदुस्तान में जुगाड़ ही चलता है। हाँ राजा भाई, अब किचन का काम तो रुक नहीं सकता ना, खाना तो बनाना ही है, इसलिए जो है उसी से बनाएंगे। और ऊपर से मम्मी जी ने ना खाना एक घंटे में तैयार करने की अलग टेंशन दे दी है मुझे। खैर ये सब छोड़ो, ये सब तो मैं कर लूंगी, आप दोनों जाओ और जाकर काम शुरू कर दो वरना देर हो जाएगी। दर्शना भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की मदद चाहिए होगी तो मुझे बता देना। हाँ टेंशन मत लो, ये सब मैं कर दूंगी, आप दोनों जाओ। हाँ? पहली बार ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं तो मुश्किल तो होगा, लेकिन रानी हार नहीं माननी है हमें, क्योंकि श्रीनाथ जी भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं। राजा, पापा बता रहे थे कि सोल काटना और इस प्रेस से दबाना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत टाइम भी लगता है, तो हम इतने कम टाइम में इतना सब कैसे करेंगे? रानी तुम टेंशन मत लो, पापा ने जैसे जैसे हमें बताया बिल्कुल वैसे वैसे ही करेंगे। राजा अब तुमने इतनी पुरानी चीजों से हमेशा कुछ नया बनाया है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूंगी। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने चेहरे से ना टेंशन देने वाली टेंशन हटाओ रानी, आरामदायक सोल बनाना है, अच्छे से दिमाग लगा के सोच समझ के हमें काम करना पड़ेगा। हाँ तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। रानी जाके पेन लेके आओ ना, ये पेन नहीं चल रहा है, तब तक मैं रबर के साइज का सोल काटता हूं। और अच्छा सुनो, टेंशन मत लो, श्रीनाथ जी हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा ही होगा, और देखना सबसे अच्छा सोल हमारा ही बनेगा। मैं भी आई। आह हो हो,
आओ रानी, जल्दी आओ। राजा, आहा, रानी जल्दी आओ। राजा, राजा क्या हो गया? राजा, राजा, राजा क्या हो गया? बताओ ना क्या हुआ? और ये मेरी आंख, और ये इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? रानी मैं क्या हुआ? राजा बताओ ना, तुम्हारी आंखें पकड़ के क्यों लेटे हो? बताओ। रानी मैं प्रेस से सोल दबा रहा था, आंखों में शायद केमिकल का धुआं चला गया। ये चश्मा, कहीं राजा चश्मे पहनना भूल तो नहीं गया? राजा तुमने वो चश्मा नहीं, रानी मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। डरो मत, कुछ करो, डरो मत, कुछ कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, दशरथ भाभी जल्दी आइए। राजा क्या हुआ? रानी ये देख, राजा, राजा क्या हुआ बेटा तुझे? राजा, राजा, राजा क्या हुआ तुझे? क्या नहीं राजा भाई, राजा दशरथ भाभी हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं अभी बुलाती हूं। राजा, रानी उठ, आई से उठो, उठ उठो, उठ बेटा, उठ उठ, आराम से उठो, आंख खोलिए। आराम मिल जाएगा। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। देखिए अगले 12 घंटे तक हर 4 घंटे में ड्रॉप डालते रहिएगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। और अगले 12 घंटे तक इनको आंखें मत खोलने दीजिएगा। और ये चश्मा जो है ये लगा कर रखिएगा ताकि आंखों पर बिल्कुल रोशनी ना पड़े। हाँ, लेकिन डॉक्टर कल 11 बजे तक हमें कंपटीशन के लिए सोल बनाना है, तो काम नहीं रोक सकते हैं। देखिए आप जो जूते बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उन केमिकल का बहुत बुरा असर हुआ है आंखों पर। अगर 12 घंटों से पहले आपने आंखें खोली तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। देखिए अगर ज्यादा दर्द हो तो ये पेन किलर देते रहिएगा इनको, ठीक है? जी। सॉरी रानी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पता नहीं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। राजा हमें थोड़ी ना पता था कि केमिकल इतना खतरनाक होगा, और उस सामान में कोई चश्मा भी था, और उस केमिकल के बॉक्स पर यह भी लिखा था कि हमें वो केमिकल इस्तेमाल करने से पहले चश्मा पहनना है। हमें भी पापा से चश्मे के बारे में अच्छे से पूछ लेना चाहिए था। पता नहीं इतनी बड़ी चूक हमसे कैसे हो गई। और शीना जी, हमारी परीक्षा बार बार क्यों लेते रहते हैं? अब डॉक्टर साहब ने तो साफ साफ बोल दिया कि कल तक राजा को पूरा आराम करना पड़ेगा, तो फिर तुम दोनों ने क्या सोचा है? मेरा मतलब वो अभी प्रतियोगिता का क्या होगा? 11 बजे से पहले कैसे बनाएंगे जूते? राजा तो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ये राउंड जीतना बहुत जरूरी है रानी। राजा तुम आराम करो, डॉक्टर साहब ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, और कंपटीशन में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी आंखों से बढ़कर और कुछ नहीं है हमारे लिए। शायद आप लोगों ने डॉक्टर की बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने मुझे आंखों को आराम देने के लिए कहा है, मेरे दिमाग या हाथ पांव को नहीं। तो रानी मैं जैसा कहूं वैसा करना, ठीक है? पता नहीं राजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? रानी,
हम तुम्हारे पापा को बुला ले। नहीं मम्मी, तब तो पापा ने केशा के लिए सोल बनाना शुरू भी कर दिया होगा। अब तो सोल रानी को ही बनाना पड़ेगा। रानी मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं जैसा जैसा कहूं बस वैसा करना, और कोई तरीका नहीं हमारे पास रानी। जहां पे भी परेशानी हो तुम बता देना। हो शुभारंभ। हो शुभारंभ। हो शुभारंभ। हो शुभारंभ। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सफेद कोट वाले डॉक्टर को राजुड़ा के रूम की तरफ जाते हुए देखा। राजुड़ा की आंखें कल तक नहीं खुलेगी। ये तो गजब हो गया ना, इस बार शीना जी हमारे पाले में है। मैंने तो केसा को ये खुशखबरी भी दे दी, अब राजुड़ा और रानी कंपटीशन के बाहर और केसा रेशमिया मेंशन के अंदर। कितना तेरे को कितनी बार बोला है कि समय से पहले खुशियां मत मनाया कर। किस्मत कब गुलाटी मार जाए पता ही नहीं चलता है। इन दोनों पे बराबर नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा आराम से, आराम से। अच्छा रानिया मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मशीन है सोल को बराबर उसके बीच में एकदम अंदर रखो, जो ऊपर हैंडल है ना उससे सोल को दबाओ, मशीन को बंद करो और दबाओ, थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में लेकिन उसको दबा के रखो। क्या हुआ? हुआ? अरे ये तो गर्म ही नहीं हो रहा। राजा लगता है जब केमिकल का धुआं तुम्हारी आंख में गया तब केमिकल प्रेस पे भी गिर गया होगा। अरे लेकिन राजा तुम उठ मत बेटा, यहीं से बोल जो बोलना है। रानी कोशिश करो हो जाएगा, उसको दबा के रखो, थोड़ा टाइम लगता गर्म होने में। ओहो ये गर्म ही नहीं हो रहा। दर्शना भाभी एक बार आप देखो ना। अरे रानी उसको दबा के रखो ना, होगा वो गर्म, थोड़ा टाइम लगता है। अरे सोल गर्म ही नहीं हो रहा है रानी। वो देखो सोल थोड़ा सा बाहर है। हाँ हाँ उसे बीच में रखो, अब ट्राई करो। हुआ? अरे मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, ये मशीन काम ही नहीं कर रही। पक्का मशीन खराब हो गई है। ऐसे कैसे कर? हमें दूसरी लानी पड़ेगी मशीन। पर रानी इतनी रात को हम दूसरी मशीन लाएंगे कहाँ से, कुछ और नहीं सोच सकते काकी? पर इसकी जगह तो और क्या, अब तो कुछ जुगाड़ ही करना पड़ेगा, जैसे दर्शना भाभी करी थी किचन में जब मोटी मम्मी ने सारा सामान छुपा दिया था। एक मिनट। रानी क्या हुआ? रानी कहाँ गई? रुक जा आती होगी। रानी ये ले आ गई। क्या हुआ? ये देखो हमें कुछ गरम प्लेट जैसा चाहिए जो सोल को अच्छी तरह से दबा सके, तो इस्त्री से अच्छा और क्या हो सकता है? रानी गरम होने के साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी चाहिए जिसमें सोल को दबाने का वजन हो। अरे हम लोग वो गरम तवा भी तो रख सकते हैं काकी, तवे से ज्यादा तो सिलबट्टा का वजन होता है। हाँ लेकिन हम सिलबट्टे को कैसे गरम करेंगे? गरम और वजनदार, सोचो घर पे ऐसा क्या है जो गरम भी हो और वजनदार भी हो। वजनदार, गरम और वजनदार क्या हो सकता है? मिल गया। क्या? गरम और वजनदार से याद आया, हमारे चाल में रहने वाली मोहिनी काकी का खाकरा मेकर। वो बचपन में हम बच्चों को ना ऐसे 10 खाकरा बनाने को कहती थी और बदले में हमें चॉकलेट देती थी।
इतना वजनदार होता था कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। एक मिनट रानी, एक मिनट। खाकरा मेकर गरम और वजनदार। अरे हाँ, खाकरा मेकर काम करेगा ना। नहीं, लेकिन मैंने इसे कभी किसी को ऐसे उसे सुना नहीं है कि खाकरा मेकर से जूते का सोल बन गया। अरे रानी, आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती है। आज पहली बार खाकरा मेकर से जूते का सोल बनेगा और ये स्पेशल सोल हम बनाएंगे। ये कोशिश तो बनती है, पर खाकरा मेकर तो हमारा वो मम्मी जी ने छुपा दिया है ना। मैंने बताया तो था आप दोनों को। जितने पैतरे लगा ले रानी, खाकरा मेकर तो तुझे नहीं मिलेगा, पर ये कंपटीशन तुम हारोगे। लो, हो गया कल्याण। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि उस मोटी मम्मी ने खाकरा मेकर कहाँ छुपा के रखा है। ये लोग जो भी मुश्किलें खड़ी कर दें, हम अपने जूते का सोल तो बना के रहेंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.